तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे मॉडम को लैपटॉप या फिर पीसी में कनेक्ट कैसे करें। दोस्तों इस वीडियो पर आपको यही बताएंगे। चैनल पर पहली बार आप आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपना मॉडम को या फिर जो डोंगल बोलते हैं उसे अपने लैपटॉप में यूज़ करेंगे, USB जो पोर्ट होता है उसमें आप जैसे लगाएंगे तो आपको अपने माइक कंप्यूटर जैसे जब लोग जितना सारा फोल्डर होता है जैसे आपका वहाँ पे एक फोल्डर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। जो जो भी मॉडम आप यूज़ करते हैं, चाहे आईबॉल का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप जियो का या फिर एयरटेल किसी का डोंगल यूज़ कर रहे हैं, 4G 3G जो भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपको माइक कंप्यूटर में जाते हैं, यहाँ पे डिस पीसी पे मेरा विंडो 10 है, तो इस तरह मेन जैसे हम लोग जितना ड्राइव यहाँ पे आता है देख सकते हैं, इस तरह आपको मेन जो माइक कंप्यूटर निकाल सकते हैं या फिर डिस पीसी लिखा हुआ आएगा विंडो 10 में। और विंडो 7 यूज करते हैं तो आपको इस तरह माइक कंप्यूटर पर जाके पूरे जितने सारे फोल्डर है टोटल फोल्डर आपका यहाँ पे आ जाता है। और आप जो इस कंपनी का डोंगल यूज करते हैं, मॉडम यूज करते हैं, उसका एक साइड में इधर फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं CD ड्राइव जे आईबॉल एयरवे 4G, ये जो मेरा डोंगल लगा हुआ है ये आईबॉल का कंपनी का है, एयरवे 4G इसका नाम है। इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक इंस्टॉल और रन प्रोग्राम फॉर योर मीडिया इस तरह लिखा होगा, या फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिक रन हो जाता है आपका लैपटॉप या फिर आपका PC में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह इंटरफेस आएगा और यहाँ मेरा विंडो 10 है इसलिए यहाँ पे आ रहा है इस तरह। तो बस उसको ओके करके जिस तरह कोई अलग सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल करते हैं उस तरह इस सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर देना अपना सिस्टम में। तो जैसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका पूरा इंटरफेस सबको जैसे कोई जैसे जो भी उस कंपनी का आपका डोंगल है मॉडम है उस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर आप रन कर लेंगे जो मॉडम में ऑटोमेटिक जो दिया गया है, ओपन करने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस पूरा खुल जाएगा आपका सिस्टम में। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अभी आईबॉल ऊपर में देख सकते हैं इस तरह सॉफ्टवेयर खुल गया आपका, यहाँ पे इस तरह कनेक्ट लिखा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जियो 4G है, अगर आपका जियो सिम यूज करते हैं तो आपको सेटिंग पे चल जाना है और जो यहाँ पे कनेक्शन सेटिंग लिखा है वहाँ पे जाके एक ठो न्यू जो प्री डिफाइंडेड जो एक जो यहाँ पे नेम है ये APN जिसे हम लोग को बोलते हैं सर मोबाइल में APN जो सर्च करते हैं जियो 4G, उस तरह अगर आप जियो का सिम यूज करते हैं तो जियो का यहाँ पे APN एक न्यू क्रिएट सर कीजिएगा, यहाँ पे नाम लिखिएगा जियो 4G और यहाँ पे जियो 4G लिख देना है इस तरह। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने बनाया है उसको अगर आप एडिट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या क्या लिखे हैं, जियो 4G लिखे हैं ऊपर में प्रोफाइल नेम और APN में जियो नेट बस लिख के यहाँ पे ओके कर देना है और इस तरह आपको सेव कर देना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जियो 4G लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर आप एयरटेल का यूज़ करते हैं तो एयरटेल का जो APN सेट और क्या जो होता है अपने मोबाइल अगर एयरटेल यूज करते हैं तो उसमें भी आप सेटिंग पे जाके नेटवर्क सेटिंग जो होता है वहाँ पे APN सेटिंग देखने को मिलता है, तो उसे आप यहाँ पे भी आपको डोंगल में सेट करना होता है। अन्यथा आप यहाँ से भी इससे जो प्रेफरेंस नेटवर्क है यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे या फिर इसको हटा देते हैं, प्रेफरेंस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे जितने सारे सिम है ऑल इंडिया में तो देख सकते हैं पूरा आ जाता है। तो आपको अपने स्टेट का जो APN है वहाँ पे ओके कर लेना है इस तरह, ठीक ना, जो प्री डिफाइंडेड जो लिखा है इसमें। और उसके बाद आपको यहाँ पे जिस तरह हमने बताया कनेक्ट कर देना है, इसे कनेक्ट कर देंगे तो नेट आपका कनेक्ट हो जाएगा लैपटॉप में और चलने लगेगा। और यहाँ पे आपका यूजेज जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड अपलोड स्पीड इतना है और डाउनलोड स्पीड यहाँ पे देखें सो रहा है और इसका ग्राफ पूरा यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरह कोई भी डोंगल को अपना लैपटॉप या फिर अपने PC में आप चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।